ये कश्मीरी रोटी होती है लवासा, उसी के ऊपर बटर लगाते फिर नमकीन चाय के साथ खाते। So you are from which place? Kashmir. Kashmir. Yes. In. दिस इज द गेट नंबर 1। क्या है उनको क्या बोलते हैं? कश्मीर चिकन कबाब है। और किसमें बना हुआ है? रोगन जोश नून चाय। खाएंगे मसाला भी हमारे लिए बहुत स्पेशल होता है, अमरूद का खास। Now we are moving to Jama Masjid from Chowri Bazar Metro Station. Hey! Good morning friends, now I am in Jama Masjid area of New Delhi and today we will show you Kashmiri food in Kashmiri hotel in the Jama Masjid. The Kashmiri restaurant is situated just in front of the gate number 1 of the Jama Masjid. He is the owner of this Kashmiri restaurant. ये जो कश्मीर रेस्टोरेंट आप कब स्टार्ट किया? मैं 30 साल से। अच्छा, यहाँ पे क्या क्या बनता है? यहाँ सब आइटम है, कश्मीरी के आइटम, बश्ताब है, रिश्ता है, कबाब है, तबक माज है, नमकीन चाय है, मटन में 7-8 आइटम 10 आइटम भी बन सकते हैं। अभी क्या क्या बना है आज? यहाँ पे गोश्ताब है, रिश्ता है, कबाब है, कश्मीरी पनीर है। ये हमारे पास गोश्ताब है, फेमस है, इंग्लिश कौरमा है, ये भी मटन का ही है, मटन कौरमा है। हाँ जी, हाँ जी, मटन। यहाँ आइए आप। ये क्या है? ये भी मटन है। ये भी मटन? नहीं, मटन का क्या है उनको क्या बोलते हैं? ये रिश्ता है, रिश्ता, ये रिश्ता है मटन का। ये क्या है? कश्मीरी पनीर है ये। अच्छा, दिस इज कश्मीर चिकन। चिकन सब्जी में मतलब क्या है? आलू है, आलू है, मटर है, मिक्स है, मिक्स वेज है, कश्मीरी मीट है, मीट बोलते हैं। वो किस में बना हुआ है? ये भी मटन ही है। मटन है। 360 रुपये प्लेट। एक पीस का कितना हुआ? 90 रुपये। 180। और दो का 380 प्लेट में आएगा सर। दो पीस रोगन जोश 400 रुपये प्लेट। 400 चार पीस का।
एक पीस नहीं देते हैं आप? एक पीस भी देते हैं 100 रुपया। एक का कितना है जो एक बॉल में? 100 चाय रोटी मिला के 20 रुपये। रोटी भी चाय भी 20। नून चाय एक प्लेट में कितना पीस आता है? एक आधा 4 पीस आता है। 4 पीस मतलब एक पीस का 90 रुपया। 90 रुपया पनीर पाक पीस 90 रुपया। 4 पीस होता है 130-160 रुपये। ठीक सर। एक कबाब 240 रुपये प्लेट। 2 पीस प्लेट 400 रुपया है। और हाफ प्लेट होने से हाफ आता है 200 रुपया। 200 रुपये 100 रुपया प्लेट। 100 रुपया प्लेट। थाली का कितना प्राइस है? ये 1100 की पड़ती है एक थाली का। एक थाली उसमें सब आइटम होती है। हमारा एक नंबर गेट है जामा मस्जिद दिल्ली। गेट नंबर 1 पास कश्मीरी होटल है। यहाँ हर कोई आदमी आता है, विदेश का भी आता है, हर कोई आदमी आता है यहाँ। गेट नंबर 1 कश्मीरी रेस्टोरेंट, यहाँ खाना मिल जाएगा, बढ़िया खाना। This is Kashmir tea. नमक वाला चाय पीते हैं? हाँ क्यों नहीं। What is your name? कश्मीर का जो टेस्ट होता है श्रीनगर में रोटी और चाय का? चाय बराबर वैसे बराबर है। और चाय कैसे है? ओरिजिनल कश्मीरी है और नहीं है? अच्छा है। सो यू आर फ्रॉम? ये कश्मीरी रोटी होती है लवासा, उसी के ऊपर बटर लगाते फिर नमकीन चाय के साथ खाते। So you are from which place? Kashmir. Kashmir. दूध डालते हैं? दूध डालते हैं। दूध चाय और क्या है? दो तीन चीज डालते हैं। क्या क्या डालते हैं? मतलब कुछ फ्रूट डालते हैं। फ्रूट? हाँ बादाम। बादाम बादाम डालते हैं। अच्छा मजा आ गया। आई एंजॉय द कश्मीरी टी विथ द कश्मीरी ब्रेड। खाना कैसे है? वेरी गुड। अच्छा अच्छा है। क्या खा रहे तुम? चिकन। चिकन So you are from Kashmir also? We are also from Kashmir. A Kashmiri family was enjoying the Kashmiri food here and I found a child was taking the food and he is enjoying it very well in his own way, not dependent on his parents in taking his food. वो कैसे बनता है? कूटते हैं ना पत्थर पे, कूटते हैं गोश्त पत्थर पे, कूटते हैं फिर उसको गोल बना देते हैं, फिर इसमें दही लगता है, फिर मसाला लगता है, इसके दही लगता है, दही के बाद इसका दूसरा मसाला लगता है। और रिश्ता में? और रिश्ता में जो है ना वो लाल मिर्च लगता है, उसमें भी दूसरा मसाला, मसाला अलग अलग लगता है। इसमें गोश्तावर में अलग है, रिश्ते में अलग है, मिर्च कौरमे में अलग है, कबाब में अलग है,
रोगन जोश में अलग है, सब चीज़ों में मसाला अलग अलग लगता है जब इसमें टेस्ट आता है। रोगन जोश कैसे हैं, टेस्ट कैसे हैं? आपका कहाँ का है? तो जो कश्मीर का ओरिजिनल वाला टेस्ट यहाँ आता सेम है। मेरी कांति कबाब बोलते हैं। This is rista with rice. बेटा आपका नाम क्या है? तो कहाँ से आप? तो यहाँ क्या खा रहा है? रिश्ता और चावल। बॉय इज एंजॉइंग रिश्ता विथ राइस। नॉन चावल रोटी इज द चीपेस्ट आइटम which cost 20 rupees and majority of the people are taking lone chow and roti in this hotel. Rogan josh is the this is rogan josh, this is rista, this is gustava. It's salty, little bit salty, and it's not so spicy. And has a very good flavor of mutton. Really tasty. The juice is very tasty. Huh? The juice of rogan josh, and rogan josh is different from the juice of the good rista. Gustava now. In Gustava, there is no spice. It is in curd. The meatball is inside the curd. I have never taken first cut of food. Really very tasty. The juice is little bit sour. I think they have used the yogurt or curd which is sour.
हाँ व्हाट्सएप चला था मैं बोलूँ हाँ व्हाट्सएप व्हाट्सएप मेरे को प्रॉब्लम उसमें नहीं पता रहा फोटो चला चला नहीं है तो फोन की तो आज कुछ कम दूसरे कस्टमर आ गए थे तो रजिस्टर्ड है ये रोगन जोश यार तो लिटिल बिट I think Kashmir people like little bit salty food. तो नीचे घर पे जाता हूँ अलग अलग जाओ। हमारे जो मटन झोला अच्छा ये झोला भीतर तफात कौन लगता है? जो रोगन जस्ता मटन रोगन मटन झोला So what Ruby is saying that in comparison to the Odisha mutton curry, it is less spicy. It is salty and very tasty also. This is the leafy vegetable curry of Kashmir. So people are taking it alone, the leafy vegetable curry and rice. So you are from which place? कहाँ से आप? श्रीनगर. He is from Srinagar also. Wanted to try the Kashmir leafy vegetable. अब क्या खा रहा है? Rice, Pashtawa in Kashmir. अच्छा. Onion chutney. Yeah. How is the taste? Very good. तो आप कहाँ से हैं? Kashmir. तो the food available in Srinagar is Kashmir. This is a Kashmiri food. So exactly the taste is like that. Wonderful. I am trying the leafy vegetable. सबसे ज्यादा डिमांड है किसका गोसावा रिश्ता का कबाब है अब क्या क्या खा रहा है इसको बोलते हैं रिश्ता और रोगन जोश दोनों रहता है अच्छा इसको बोलते हैं रिश्ता हाँ इसको बोलते हैं रोगन जोश अच्छा तो कौन सा वाला अच्छा है ये सभी अच्छे हैं डिपेंड अपना अच्छा अपने इस पर डिपेंड पर डिपेंड होता है ये जो कश्मीर में जो मिलता है यहाँ का टेस्ट पूरा लगभग एक ही है एक ही है सेम ही है सेम ही है अच्छा ये शायद ये कश्मीरी जो इधर होटल है ना अच्छा आप कहाँ से आप कश्मीर से श्रीनगर श्रीनगर से बड़ी वैरायटी होती है 35 वैरायटी होती है कश्मीर वाज़ में हाँ बिल्कुल क्या क्या होता है बड़ा कुछ लिस्ट होता है इसमें कबाब होता है शेमियाना कबाब होता है गोश्ताब होता है अच्छा मिर्ची परमा होता है बड़े बड़े वैरायटी होते हैं ये कश्मीर के नहीं वापस उधर से हाँ तो खाना कैसे है खाना टेस्ट है बहुत टेस्टी है मोटा चावल है भाता बोलते हैं कश्मीर आए हो कभी सर बड़े मतलब ये भीड़ भाड़ बड़ी रहते हैं उधर ये टेंशन नहीं है उधर माहौल अच्छा क्लीन नीट एंड क्लीन स्पेशली आज के दिनों में जब ये विंटर शुरू हो अच्छा उधर आ जाना उधर अलग ही मजा है ठीक है फिर वापस जाने का दिल ही नहीं करेगा अंदर किसी ज्यादा कस्टमरों की ना होना एतराज करते हैं जानते हैं कस्टमर बहुत से एतराज करते हैं भाई साहब कम हो गया वो क्या है
ये मेथी मांस, मेथी मांस डाल दी बेटा, मुझे पता है। चलो मतलब वो कश्मीर जैसा टेस्ट पूरा आता है? आता है, आता है, इसलिए तो खाते हैं। अच्छा, कश्मीर में हमारे सवेरे चाय रोटी, चाय दो कप नमकीन वाली चाय होती है उसमें, तो उसके साथ रोटी भी होती है, ठीक है। उसके बाद 10 बजे हम लिप्टन चाय पीते हैं, वहाँ रीत रिवाज ऐसे ही है। उसके साथ भी रोटी, चाहे वो हाथ की बनी हो या तंदूरी की बनी हो या बिस्किट हो या केक, जैसे भी हो, तो रोटी होनी चाहिए साथ में। अलबत्त दोपहर का खाना, दोपहर के खाने के साथ मीट या कोई भी सब्जी हो वो चलता है, ठीक है। उसके बाद 4 बजे फिर से चाय। दोपहर में क्या चलता है, रोटी या चावल? नहीं, रोटी नहीं होती है उसमें, चावल होता है, पूरा चावल। जितने भी फैमिली मेंबर्स होते हैं उनमें से एक आधा नहीं खाता होगा, लेकिन बाकी तो सारे खाते हैं चावल ही। और उसके बाद 4 बजे चाय, वो भी होती है नमकीन वाली, उसके साथ रोटी। बाकी शाम को फिर से खाना, खाने में क्या होता है, चावल होती है, दाल होती है, सब्जी होती है, मीट होता है, मुर्गा होता है, जो भी बनता है, लेकिन रोटी शोटी कब कुछ नहीं, ठीक है। रोटी सिर्फ 2 टाइम, चाय के टाइम पर, बाकी यही कश्मीरी खाना, चावल। भैया ऑरेंज कितना का है? ऊपर दूध तरबूज वो अब जैसे बनता है। अच्छा, विद शुगर एंड गोल्ड। इफ यू आर कमिंग टू दिल्ली, इफ यू आर नॉट विजिटिंग द जामा मस्जिद एरिया, योर विजिट इज नॉट फुल। सो यू शुड कम हियर एंड टेस्ट द डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फूड, बोथ वेज एंड नॉन वेज, एंड different type of food, juices, and you will enjoy it. So, I am enjoying this meal with watermelon, and if you come here you should taste it, it's very enjoyable. Birthday Mohabbat.